किसान करने 17 का पत्र, सूबे में उतरा युवराज का रथ, मोदी अखिलेश पर खींची कमान, राहुल ने छेड़ी 2017 की तान, फुल फॉर्म में राहुल। जी हाँ, बमुश्किल सवा साल बचा है 17 के समर में, तो सियासी सुरमाओं ने कमान साध ली है। विरोधी कुछ सोचें, उससे पहले राहुल गांधी ने तो सहारनपुर में जाकर शंख भी बजा दिया, कमर कसकर कमान भी साध ली और पहला वार भी कर दिया। सहारनपुर से ही दिल्ली दरबार और सूबे की सरकार पर साधा निशाना। 17 का पत्र, सूबे में उतरा युवराज का रथ, मोदी अखिलेश पर खींची कमान, राहुल ने छेड़ी 2017 की तान, फुल फॉर्म में राहुल। दरअसल बिहार में कांग्रेस को सियासी ऑक्सीजन क्या मिला, राहुल सीधे सहारनपुर जा पहुंचे और 2017 के सियासी समर की रणभेदी बजा दी। फुलफॉर्म में यूपीआई राहुल ने पीएम मोदी और सीएम अखिलेश यादव को सीधे निशाने पर लिया। अच्छे दिनों के सहारे पीएम मोदी को घेरा तो गन्ने को ढाल बनाकर सीएम पर सवाल दाग दिए और संकेत दे दिया कि 17 की लड़ाई में कांग्रेस को कमतर रखना बड़ी भूल होगी। बिहार की बहार से विजय रथ पर सवार राहुल सीधे सहारनपुर में उतरे। पैरों में पंख लगे थे तो जुबान में जोश था, 17 के समर पर नजर थी तो निशाने पर थी दोनों सरकारें। जोश खरोश के साथ राहुल ने रोष जताया और बताया कि कांग्रेस ही है जो किसानों की हितैषी है, कांग्रेस में ही दम है, बाकी सब तो पानी कम है। मतलब राहुल ने बजा दी 2017 की रणभेरी। हिंदुस्तान का किसान दुखी है, यहाँ अभी मैं 6-7 किलोमीटर चला हूँ, किसानों से बात की है, वो प्रधानमंत्री की ओर देख रहा है, चीफ मिनिस्टर की ओर देख रहा है, उसको पैसा मिलना चाहिए, गन्ने का पैसा मिलना चाहिए और यहाँ शुगर मिल जो बंद पड़ी है उनको खुलना चाहिए। दुख की बात मेरे लिए ये है कि मैं किसानों की मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ प्रेशर दबाव डाल सकता हूँ, मैं दबाव डालूंगा, जितना डाल सकता हूँ डालूंगा। गन्ने के सहारे कांग्रेस का गुणगान किया तो उसी गन्ने को गन बनाकर प्रदेश सरकार पर तान दिया। पीएम मोदी के विदेश दौरों को जनता से दुराब बताया और अपनी सहारनपुर यात्रा को सरोकार बताया। अपने दौरे से दर्द की दवा बांट रहे राहुल अच्छे दिनों को याद करना नहीं भूले और सभी मुद्दों पर जमकर बोले। यहाँ अखिलेश यादव जी किसानों की मदद नहीं कर रहा, आज कहते हैं अच्छे दिन आएंगे तो लोग हंसते हैं जैसे आप अभी हंसे, पूरा हिंदुस्तान हंसता है, अच्छे दिन कहाँ गए। नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, कभी लंदन जाते हैं, आज मैंने उनका जहाज उड़ते हुए देखा, लंदन जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, अमरीका जाते हैं, बड़े बड़े भाषण होते हैं, यहाँ अच्छे दिन नहीं। खेतों और खलिहानों में जाकर राहुल ने किसानों से दिल खोलकर मुलाकात की, जनता के जज्बातों से जुड़कर बात की। ये बात निकली तो दूर तलक गई और बीजेपी को तो चुभ ही गई और ये चुभन सवाल बनकर निकली राहुल को घड़ियाल बताकर। ये विदेश में मौज ले रहे थे और किसानों की समस्या की आवाज उठाने के लिए पार्लियामेंट में भी उपस्थित नहीं थे, अब नाटक करने जा रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहाने जा रहे हैं किसानों के बीच में। घर में आकर कोई ललकारे तो कैसे चुप रहें और गंभीर आरोप कैसे सहें, सपा वाले राहुल के आरोपों के सामने ढाल के साथ सवाल लेकर आ गए। अगर उनके सामने अगर जो है अगर मक्का और गन्ना का अगर पौधा रख दिया जाए तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि गन्ना है या मक्का है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने गन्ना किसानों के भुगतान 80% कर दिए हैं और जो कॉपरेटिव के जो चीनी मिले हैं उनका 100% भुगतान हो गया है। बहरहाल बिहार से जीत के पंखों के सहारे सहारनपुर आए राहुल का संदेश साफ है, अब 17 का समर दूर नहीं और कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यहाँ तक कि पहली आहुति भी राहुल ने डाल ही दी, अब ऐसे में दूसरे दलों का क्या कदम होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राहुल तो फुल फॉर्म में आ ही चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ यदवीर सिंह, समाचार प्लस।
तो मोदी और अखिलेश दोनों पर जमकर बरसे राहुल गांधी और कर दिया मिशन 2017 की कवायद का आगाज भी। फुल फॉर्म में नजर आए राहुल गांधी। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश बहादुर जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारे नोएडा स्टूडियो से बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह है और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करूंगी। अभी तक कांग्रेस को लड़ाई में नहीं माना जा रहा था, लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी उत्साहित नजर आए और उन्होंने मोदी और अखिलेश पर निशाना साधा, क्या इसके जरिए दिखाने की कोशिश हो रही थी कि हम भी लड़ाई में हैं? देखिए, बिहार का जो परिणाम रहा उसने गैर भाजपा दलों में एक उत्साह का संचार किया, इससे तो भाजपा वाले भी इनकार नहीं कर सकते जी। कांग्रेस बिहार से ही समझ कर आई कि अगर गठबंधन की राजनीति हो, एक दौर था जब कांग्रेस कहा करती थी एकला चलो, पचमढ़ी में इन्होंने सम्मेलन किया, राहुल जी उसमें थे, उसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन बिहार का जो सफल प्रयोग था उसने इनको बताया कि अगर हम गठबंधन करें तो हम जीत भी सकते हैं। तो सबसे फिर बिहार के बाद सबसे बड़ा चुनाव है, तो कई राज्यों में चुनाव 16 में, लेकिन सबसे बड़ा चुनाव यहां होगा उत्तर प्रदेश। तो राहुल गांधी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत की। आज राहुल गांधी ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि भाई कांग्रेस मोदी जी पर जो सबसे बड़ा आरोप लगाती है वो ये लगाती है कि ये बड़े लोगों के सरमाएदार हैं, और राहुल गांधी ने इसके कंट्रास्ट ये बताने की कोशिश की कि हम किसान के सरमाएदार हैं, हम गरीब के सरमाएदार हैं, हम सड़क पर हैं, वो जहाज में है। ये एक लाइन राहुल गांधी खींचना चाहते थे। आज उनका पूरा संबोधन आप सुनिए, उन्होंने यही कहा कि भाई ओबामा साहब के साथ उनकी फोटो दिखती है, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ दिखती है, सिंगापुर के राष्ट्रपति के साथ दिखती है, बड़े लोगों के साथ दिखती है, लेकिन किसान के साथ नहीं दिखती। तो जो प्रो पुअर प्रो फार्मर एक जो इमेज कांग्रेस बनाना चाह रही है उसका यह 17 की दृष्टि से आगाज किया है राहुल गांधी ने। बिल्कुल मुकेश बहादुर जी, भले ही राहुल गांधी गन्ना और मक्के में अंतर ना बता पाए, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के नतीजों ने कांग्रेस को उत्साह तो दिया है, आत्मविश्वास तो दिया है। क्या समाजवादी पार्टी देखती है कि कांग्रेस कहीं लड़ाई में दिखाई देती है? देखिए गायत्री जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी जमीन आज से नहीं पिछले करीब 1.5 दशक से खो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास न वर्कर है, न उनके पास कोई पार्टी लीडरशिप है, न कोई ऐसा चेहरा है जिसके बलबूते वो आकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव को लड़ेंगे। फिर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में तो प्रोजेक्ट नहीं किए जाएंगे, वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में उनके पास न कोई चेहरा है, न उनके पास पार्टी वर्कर है जिससे वजह जिसकी बल पर वो यूपी में अपनी जमीन को खड़ा कर सके। जहां तक बिहार के चुनावी नतीजों की बात है तो ये सही है कि गठबंधन का एक हिस्सा बन करके उनको 27 सीटें इस बाबत मिल गई कि उनको कम से कम ऑक्सीजन मिल गई कि आगे चल करके जिसकी वजह से वो यूपी में अपनी दावेदारी भी कम से कम खड़ी कर सकें। अब राहुल जी ने जो पदयात्रा शुरू की है वो अब उसके क्या मायने होंगे ये आने वाला समय बताएगा कि वो कांग्रेस वो किसानों के कितने नजदीक है, किसानों के कितने हितैषी है। जैसे कि वो भारतीय जनता पार्टी पे तमाम सवाल उठाते नजर आते हैं, तो 1.5 साल से मान लिया भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन 1.5 साल से पहले जब आप भारत विभाजन से लेकर के और पूरे देश का सत्यानाश आपने पीटा, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे सिख दंगे हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, तो जब आपकी पार्टी सरकार में थी तो आपने किसानों के हित के लिए क्या काम किया? आप पहले अपने पार्टी पे भी क्वेश्चन उठाइए। पूरी पार्टी आपकी सवालों के घेरे में खड़ी है मुकेश जी, आपके पार्टी जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में थोड़ा डगर कठिन भी है, उसको अगर हम 12 के विधानसभा चुनाव से समझने की कोशिश करें अंक गणित में, क्योंकि अभी तो अंक गणित पर चर्चा हो सकती है, अभी राजनीति तो शुरू नहीं हुई। से 3% 3% वोट का अंतर है 2012 के चुनाव में विधानसभा के, आपके और आपके निकटवर्ती प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के बीच 3% वोट का। और बिहार में जो गठबंधन का प्रयोग हुआ, अगर वो उत्तर प्रदेश में प्रयोग हो जाता है तो 2012 में भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास 9.5% वोट था। देखिए उत्तर प्रदेश के गठबंधन में अमिताभ जी और बिहार के गठबंधन में यह अंतर है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का तो उत्तर प्रदेश में कुछ है ही नहीं, यहाँ जनता दल आरजेडी का मसला नहीं, यहाँ मसला है अगर बीएसपी कांग्रेस अजीत सिंह एक साथ आते हैं तो एक बड़ा वोट कंसोलिडेट होता है या नहीं, वो चुनौती होगी कि नहीं होगी बड़ी? देखिए अमिताभ जी, बहुजन समाज पार्टी तो अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने जा रही है,
और दूसरा ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी गठबंधन के लिए छोटे दलों पर लड़ाई। तो बिहार में तो कांग्रेस ने भी कहा था कि कुछ नहीं करने जा रही, गठबंधन तो किया बिहार में। भाई जब कांग्रेस की अपनी जमीन नहीं थी, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी क्षेत्रीय दलों के साथ गठजोड़ बनाने का प्रयास करे, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इससे ऐसा होता रहा है, ठीक है, होता रहा है। मैं ये देखिए राज्यों में कर ही रहे, देखिए सब कर रहे, देखिए होता रहा तो भारतीय जनता पार्टी भी यही कर रही है। जी, वो अभी नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा कि उन्होंने कांग्रेस के सारे लोगों को मिला लिया अपने साथ में। होना एक अलग चीज है, उत्तर प्रदेश की सियासती जमीन बहुत डिफरेंट है। और आपने जो 2012 की बात कही, तो 2012 में कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस था वो भी आपने देखा, और 2014 में क्या परफॉर्मेंस था वो भी देखा। मित्र मसला है वोट बैंक का। देखो मुकेश भाई, बिहार में ये लॉजिक फेल हो गया। बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान जितना वोट बैंक लालू नीतीश और कांग्रेस के पास था, उसी के आधार पर मैंने कहा था कि ये अलायंस चुनाव जीतेगा। अमित शाह जी सहमत नहीं थे, अरुण जेटली जी सहमत नहीं थे, भाजपा का कोई आदमी सहमत नहीं था, सपा वाले भी सहमत नहीं थे, लेकिन हुआ तो वही दिख रहा था कि ये वोट परसेंटेज 50 को छू रहा है। और चुनाव में अगर किसी अलायंस का वोट परसेंटेज 50 को टच कर ले तो मैं तो सामान्य आदमी भी कह देगा कि भाई विनेबिलिटी इधर ही है, ये मसला है। अनिला जी के पास चले। अनिला जी, जिस तरीके से मुकेश बहादुर सवाल उठाया, लेकिन आपको नहीं लगता बिहार में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा था? कोई कांग्रेस को लड़ाई में आंख नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद नतीजे, तो क्या अभी जल्दबाजी नहीं होगी कांग्रेस को कमतर आंकना? देखिए, मैं एक चीज मानती हूँ कि जब आप रण क्षेत्र में होते हैं तो चाहे कोई छोटी मात्रा में हो या ज्यादा मात्रा में हो, या कम शक्ति का हो या ज्यादा शक्ति का हो, अगर वो सामने खड़ा हुआ है रण क्षेत्र में तो वो एक दुश्मन की भूमिका में खड़ा हुआ है, तो उसे कम नहीं आंकना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि नहीं ILD कमजोर है, कि सपा कमजोर है, बसपा कमजोर है, कि कांग्रेस कमजोर है, नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत है, वो मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है 2017 में। और हमारे सामने चाहे वो कोई छोटा दल हो और चाहे कोई वो बड़ा दल हो, हम अपनी नीतियों पे रण क्षेत्र में आएंगे और इस युद्ध को, इस रण को जीतकर 2017 में अपनी सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। जी, अच्छा अनिला जी, बिहार में भी यही बात कही जा रही थी कि 2/3 से भाजपा जीतेगी, गठबंधन राजग का 2/3 से। कोई ये भी नहीं कह रहा था कि नॉर्मल मेजोरिटी से जीतेंगे, सब कह रहे थे मोर देन 2/3। परिणाम आया सामने, और अगर रामविलास और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा साथ नहीं होते तो शायद स्थिति बहुत ही ऐतिहासिक हो जाती। ये तो उनका वोट शिफ्ट हुआ तो जाके इतनी इस नंबर पर पहुंचे। इसके बाद पार्टी ने कोई सबक लिया उत्तर प्रदेश को लेकर? देखिए, ये बिल्कुल चिंतन और मनन का विषय है कि जिस प्रकार से बिहार में मैंडेट दिया गया है लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी को और नीतीश जी की पार्टी को, तो ये चिंता का विषय भी है। लालू यादव जी अपने साथ एक इतिहास लेकर चलते हैं, और मैं क्या कहूंगी, सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है जिस प्रकार का उनका मंत्रिपरिषद बना है, तो बिहार का भविष्य वाकई में एक चिंताजनक है। क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये ऐसे प्रदेश हैं जो इस देश की जो उन्नति है उसमें बहुत बड़ी भागीदारी रखते हैं। अनिला जी, तो अगर मैं बिहार का भविष्य, बिहार का भविष्य क्या होगा इस पर तो बाद में बिहार वाले सोचेंगे, देश सोचेगा, लेकिन अभी तो भाजपा को अपने भविष्य पर सोचना चाहिए बिहार के नतीजे से। नहीं, देखिए, मैं फिर कहूंगी कि ये जो मैंडेट होता है, जो नतीजे आते हैं, वो पूरी आम जनता का एक तरीके का रिजल्ट वो देती है, तो वो उस पर तो हम कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते हैं। ये मैंने कहा ना, ये वाकई में सोचने का विषय है। और उत्तर प्रदेश जो अपने आप में एक देश है, और मैं उत्तर प्रदेश की वासी हूं, तो मुझे वाकई में ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे स्थिति है और मजबूत होती चली जाएगी, और जमीनी तौर पे हम सब लोगों से जुड़े हुए हैं और मजबूती से जुड़ेंगे, क्योंकि ये एक आम आदमी की पार्टी है। ये कोई परिवारवाद नहीं है यहाँ पर, कोई किसी का ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने एक हंटर चला दिया तो बाकी सारे कार्यकर्ता जो हैं उसी प्रकार से कार्य करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जब से एनडीए सरकार जो केंद्र में आई है, विरोधी दल चाहे जितना भी चिल्लाते रहे, खासतौर से मैं कांग्रेस की तरफ उंगली उठाना चाहूंगी, उन्होंने हर एक कदम पे अड़चन डालने की कोशिश करी है, और वो सारे, चाहे वो कोई बिल हो, चाहे वो कोई प्रोग्राम्स हो, चाहे वो स्कीम्स हो, उसमें केवल और केवल उन्होंने अड़चन डाली है कि ये जो देश है कहीं खुशहाली के रास्ते पे ना चल जाए। सरकार बैकफुट पर भी गई उसके चलते कई बार। मुकेश बहादुर जी, मुझे बताइए, क्या रूलिंग पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में
अपने खिलाफ किसी तरह के गठबंधन की आहट सुन रही है? देखिए 2017 का चुनाव जो है वो बहुत कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आज की डेट में अगर देखा जाए तो हम जब चुनाव में जाएंगे 2017 में तो हमारी लड़ाई गठबंधन से नहीं होगी, हमारी लड़ाई होगी सांप्रदायिक शक्तियों से। गठबंधन गठबंधन किसका गठबंधन होगा? कांग्रेस और बीएसपी का कोई गठबंधन नहीं होगा और कांग्रेस अपने बलबूते पे कोई भी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारा चुनाव जो होगा वो सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए होगा और हम विकास के बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश जी के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे साढ़े तीन चार साल में जो उन्होंने अभी तक किया है वो कमांडेबल है। अगर एक बात बताओ, आपने कहा सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए चुनाव यूपी में लड़ेंगे हम, ठीक बात, नारा अच्छा है, लेकिन आपको इस बात का तो इल्म होना चाहिए ना कि आपको 29% वोट मिला विधानसभा में और बसपा को 26% मिला। 26% वोट का जिसके पास स्टेक है विधानसभा इलेक्शन में, आप बता रहे हो उससे लड़ाई नहीं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए बहुजन समाज पार्टी की के कुशासन पे ही तो जनता ने हमको बाहर किया। बहुजन समाज पार्टी ने क्या डेवलपमेंट किया था पांच सालों में? उनको जब सत्ता मिली एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ मिली थी, तो डेवलपमेंट पर उनके पांच साल के कार्यकाल के देख लीजिए और डेवलपमेंट पे अभी तक के साढ़े तीन साल कार्यकाल का दोनों का मूल्यांकन कर लीजिए। तो बसपा से तो कहीं लड़ाई है ही नहीं। जो भी लड़ाई होगी वो सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए। बसपा ने तो प्रदेश का कोई विकास किया ही नहीं, सिर्फ उन्होंने स्मारक बनाए। तो आप उनके पांच साल का मूल्यांकन करिए और अखिलेश जी की सरकार का साढ़े तीन साल का मूल्यांकन करिए, तो आपको फर्क वैसे ही महसूस हो जाएगा। एक बात पूछूं मुकेश जी, अभी तो परसेंटेज पे बात हो सकती है, अभी तो कुछ चुनाव को साल भर से ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने भूतो न भविष्यति के ग्राफ पर थी, मोदी इंडियन पॉलिटिक्स के अब तक के सबसे बड़े आइकॉन थे। अगर मैं कहीं थोड़ी बहुत तुलना पाता हूं तो 71 की इंदिरा जी से पाता हूं, अन्यथा उससे भी बड़ी छवि थी मोदी की, ठीक। उसमें उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, 73 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 71 खुद, दो एलाइज है ना, अपना दल अनुप्रिया पटेल और हरिवंश सिंह। अब उस दौर में भी बहुजन समाज पार्टी के पास 19% वोट था, 19% मुकेश जी, जब मोदी जी अपने चरम पर थे तब 19% वोट था, जबकि हर आदमी जानता था कि बसपा को वोट देने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, लड़ाई तो मोदी जी के लिए थी। उसके बावजूद भी 19% मतदाताओं ने बसपा को वोट तो दिया। देखिए अमिताभ जी, जो आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, जितनी भी रीजनल पार्टीज होती हैं उनका अपना एक वोट बैंक होता है, वो वोट बैंक का जो परसेंटेज वोट है वो तो उनको मिलता ही मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है। लेकिन 2009 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और जिस समय उस समय कांग्रेस को जितनी सीटें उत्तर प्रदेश से मिली थी वो यूपीए 1 की जो परफॉर्मेंस थी उसके बेसिस पे कांग्रेस ने अपना रास्ता तय किया था और काफी ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से उन्होंने जीती थी। जो पिछला चुनाव हुआ 2014 का लोकसभा था उसमें यूपीए सरकार की नीतियों की ही खामियां थी जिसकी वजह से जिस भारतीय जनता पार्टी को रास्ता मिला केंद्र में बहुमत से सरकार बनाने का या 73 सीटें उत्तर प्रदेश से जीतने का। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस की ही विफलता थी जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी या उनके नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी एक सशक्त नेता के रूप में उभरे और उन्होंने केंद्र में सरकार बनाई। तो ये तो कांग्रेस की नीतियों की विफलता थी। तो आप भी वही बात कह रहे हैं, मैं भी वही बात कह रहा हूं और वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, मोदी ने केंद्र में कुछ नहीं किया। नहीं गायत्री, नहीं, नहीं, मैं जब आप मोदी जी पे बहस करेंगे कि डेढ़ साल में उन्होंने क्या किया तो उनका भी रिजल्ट वही आएगा, जीरो। डेढ़ साल में उन्होंने क्या किया? अनिला जी, राहुल गांधी कह रहे हैं लखनऊ दिल्ली दोनों जीरो। हाँ, ये आपको भी जीरो कह रहे हैं मुकेश जी। और अभी आपने जब अमिताभ जी ने आपसे प्रश्न पूछा था और आपने शुरुआत में कहा था कि हमारी लड़ाई जो है आपने कहा सांप्रदायिक जो ताकतें हैं उनके खिलाफ होगी। उत्तर प्रदेश में 2017 में जी, मैं आप कांग्रेस के आपकी याददाश्त थोड़ी सी पीछे लेकर जाना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था आप उसको भूल रहे हैं क्या? और केंद्र में उस वक्त कांग्रेस बैठी हुई थी, तो आपकी सरकार समाजवादी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में बैठी हुई थी वो पूछ रहे आपका क्या कहना है? मैडम दंगे दादरी तो आप स्पेशलाइज पार्टी हैं। नहीं नहीं, दंगे इसका मतलब आप कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे उत्तर प्रदेश में, आप साफ कह दीजिए।
अगर आपको ये पता नहीं चलता है कि आपके प्रदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दंगे भड़क रहे हैं, दंगे कंट्रोल आप कर नहीं सकते हैं, तो आपको कोई अधिकार नहीं है वहां पर जमे रहने का। दंगे कराने का सिरमौर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सिर पर। आप बिहार में चुनाव इसीलिए हारी कि 28 सालों से कोई दंगा ही नहीं हुआ बिहार में। मुझे आप तीनों की एक ही विचारधारा हुई, कांग्रेस की भी, बसपा की भी और समाजवादी पार्टी की भी। अमिताभ जी, गायत्री जी, देखिए बिहार में एक तरफ जहां तमाम मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के हारने के तमाम कारण थे, उसमें से इस कारण को भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए कि बिहार की जनता जो है वो रीजनल स्मेलिंग पर नहीं वोट करती है। आपको क्यों वहां पर भागलपुर के दंगे के बाद से बिहार में कभी भी धर्म पर वोट नहीं हुआ, कभी भी दंगे बताइए। कांग्रेस के नेता आबिद हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आबिद जी, आप जिस तरीके से राहुल गांधी दहाड़े और उन्होंने अखिलेश को निशाने पर लिया, मोदी को निशाने पर लिया, समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ये कह रहे हैं कि भले ही राहुल गांधी दहाड़ लें, बिहार की राजनीति कुछ और थी, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाएंगे राहुल गांधी। देखिए ये तो वक्त बताएगा। अब जनता जो है वो बहुजन समाज पार्टी हो के समाजवादी पार्टी हो के भारतीय जनता पार्टी हो या और छोटे छोटे बहुत से दल जो उत्तर प्रदेश में है जो दूसरे सूबों में नहीं है, उन्होंने जनता के सामने और जनता के लिए क्या किया है ये सारी बातें सब जनता अच्छी तरीके समझ गई है। पहली बार जब काट की हांडी चलती है तो कुछ दिन के लिए लोग भ्रमित होकर वोट दे देते हैं। यही हाल मोदी सरकार का हुआ कि देश में जनता जिन लुभावने वादों पर, जिन आशाओं पर, जिन उम्मीदों पर उनको वोट देने के लिए निकल पड़ी, उनमें से कोई एक भी नहीं हुआ। हद तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश में कम रहते हैं, विदेश में ज्यादा रहते हैं। 18 महीने में 32 मुल्कों के दौरे कर लिए। अगर उनको विदेश मंत्रालय का इतना शौक था तो देश के लोगों से, जनता से वादे ना करते। क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी जी बिल्कुल जी जी, मैं अनिला सिंह हूँ, प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी से। मैं आपसे एक मेरे साथ बहुत बैठी है जी, तो मैं आपसे एक प्रश्न छोटा सा पूछना चाहती हूँ। अभी आपने बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोल दिया और आपके नेता जो उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्र उपाध्यक्ष हैं, और राहुल गांधी जी बहुत गला साफ कर करके बोल रहे थे कि हमने 70,000 करोड़ का लोन जो है किसानों का माफ किया। वो बताना भूल गए कि अपने टेन्योर के दौरान उन्होंने 6,00,000 करोड़ जो कॉरपोरेट्स का लोन माफ किया था, कभी टैक्स हॉलीडे देके, कभी कुछ करके, उसका क्यों नहीं यहाँ पे जिक्र किया? और किसानों को, किसानों के हाथ में कटोरा पकड़वाने वाले कांग्रेस पार्टी ही है इस देश में। सुनिए, आरोप जो भी लगा दें आप, अनिल जी एक काम कीजिए, चाहे समाचार प्लस हो या जो भी आपका पसंदीदा चैनल कोई और हो, एक दिन सिर्फ इस बात पर बहस करवा लीजिए कि देश को 50 बरस से ज्यादा की आजादी के बाद देश को किस पार्टी ने देश के विकास के लिए और देश की जनता के लिए किया। जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपकी जानकारी के लिए। लैंड एक्विजिशन बिल आपकी पार्टी ने जो इतना रोड़ा लगाया, पास होने नहीं दिया। इस देश की मात्र 25% किसान जो है ये जानते हैं लैंड एक्विजिशन बिल होता क्या है। ये आरोप कब तक लगाइएगा? आपको धीरे धीरे पूछो, ये सब चीजें सामने आ रही है। का चुनाव भी आपको दिखा देगा कि आपकी उत्तर प्रदेश में जड़ें हैं कि नहीं है। अभी जी आप बिहार में मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी से। गायत्री जी, कांग्रेस के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इनसे ये पूछ लीजिए कि जिसके नेतृत्व में ये पदयात्रा शुरू हुई है, उन्होंने अभी तक संसद में क्या किया? उनका आप जो पीआरएस सिस्टम होता है लोकसभा का, उससे देख लिए कि उनकी 50% से कम अटेंडेंस है संसद में। कोई जनहित का मुद्दा उन्होंने उठाया नहीं है। अभी जी वो कहना ये चाह रहे हैं कि सड़क पर तो मुद्दे की बात हो रही है, लेकिन जहां पर सॉल्यूशन हो सकता है संसद में वहां कुछ नहीं बोलते राहुल गांधी। लोग मुद्दे से हट क्यों रहे हैं? यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि राहुल जी ने गायत्री जी संसद में कितने या नहीं बैठे। नहीं, जब किसानों की बात होती है तो वो हॉलीडे पर चले जाते हैं। 43% ठीक है मुकेश जी, बहुत ही कमी है मुकेश जी। अभी जी नहीं, सवाल उनका मुद्दे से रिलेटेड ही था। ठीक है अमिताभ जिसके जी 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 मुकेश जी माफ कीजिए, 43% उनकी संसद में अटेंडेंस है। केवल लोकपाल पर 2 बार वो बहस करते हुए दिखे हैं, वो क्या जमीनी लड़ाई लड़ेंगे आकर के उत्तर प्रदेश में? पहले उनसे ये पूछ लीजिए जी। अरे भाई समय खत्म हो रहा है, समय इजाजत नहीं दे रहा, क्यों घबरा रहे हैं? ठीक है समय इजाजत, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, बिहार के चुनाव ने ये बताया है कि किसी भी पार्टी को छत पर खड़े होकर तो नहीं चिल्लाना चाहिए।
बड़े बड़ों का मुगालता बिहार के आदमी ने तोड़ दिया, ये तो जान मान के चलिए। अब बड़ी बड़ी बातें तो मत करें कोई। उत्तर प्रदेश में 2012 के आंकड़े हैं, लोकसभा के आंकड़े हैं, वोट बैंक है सबके पास। अजीत सिंह सीट जीते नहीं जीते अलहदा सवाल, लेकिन उनके पास 2.5% करीब वोट है उत्तर प्रदेश में तो है। मायावती जी और मुलायम सिंह जी के बीच में लगभग 26% वोट मुकेश जी दोनों के पास है। कोई मौसम हो, सर्दी हो चाहे गर्मी, समझिएगा इस बात को, गंभीर बात है। 3% फ्लोटिंग वोट जिसके साथ चला जाता है वो सरकार बना लेता है, ठीक। लेकिन दोनों का कोर वोट बराबर है, 26% मायावती जी के पास, 26% मुलायम सिंह जी के पास। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि दूसरा शून्य है, नहीं। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्रूव करना है, विधानसभा की बैटल में। लोकसभा में उसने किया अंडाउटेडली, लेकिन तब वहां सिचुएशन दूसरी थी, तब वहां मोदी जी पर वोट हो रहा था। अब आपको दूल्हा चुनना पड़ेगा और दूल्हा चुनने में रा रहे दूल्हा उतना पूरे प्रदेश का नेतृत्व तो कर पाए ऐसा दूल्हा ढूंढना थोड़ा संकट का काम होगा। मोदी जी तो एक बड़ी पिक्चर थे, उस पर वोट हो गया, 73 सीट दे दी आपको जनता ने। लेकिन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, कल्याण सिंह जी जब छोड़कर गए थे भाजपा, उसके बाद से कभी अच्छा नहीं कर पाई। एक लंबा अरसा हो गया। कल्याण सिंह आखिरी मुख्यमंत्री थे जिनके समय में 176 MLA जीते थे, उसके बाद से कभी 50 के ऊपर आंकड़ा गया नहीं, 50-55 के ऊपर कभी नहीं गया, दिखना पड़ेगा। ऐसे में राहुल गांधी को या कांग्रेस को अपन खारिज कर दे, मुझे लगता आज वो स्थिति नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई अलायंस आकार लेता है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, तो उस अलायंस का स्वाभाविक हिस्सा कांग्रेस होगी, अजीत सिंह होंगे। तब एक नई लड़ाई शुरू होगी, एक वोट का नया ध्रुवीकरण शुरू होगा, कंसोलिडेशन ऑफ वोट होगा। इसलिए मैं मानूंगा अभी समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों को थोड़ा सा अतिरेक से बचना चाहिए, क्योंकि बिहार का नतीजा दोनों के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद।